बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट मेरा बेटा, हमारा जो क्लास का सिलसिला था उसके अंदर हमने पेपर पैटर्न को जो है वो डिस्कस किया था, और पेपर पैटर्न के एंड के ऊपर जो है वो हमने अपनी क्लास को एंड किया था। ठीक है, आज जो है वो हम अपने जो है वो पहले चैप्टर की तरफ जा रहे हैं, और साथ साथ हमने फेरिस को भी जो है डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास के अंदर। इस वक्त हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा तंजो मिजाह का एक चैप्टर जो है इस पोर्शन का डिस्कस कर रहे हैं, और जिसका नाम है मैबल और मैं। मैबल जो है वो नाम है एक खातून का, एक लड़की का नाम है, और मैं जो है वो मुखातिब किया है मुसन्निफ ने अपने आप को। अच्छा, साथ साथ थोड़ा सा बताता चलूं, यहाँ पर ये तंजो मिजाह के अंदर इनका जो है अपनी मिसाल आप जो है ना, ये एक शख्सियत है जिनका नाम है पतरस बुखारी। अब पतरस बुखारी साहब का जो सिलसिलेकार है मेरा बेटा, वो बे इंतहा, जिसे कहते हैं कि ऊंचाई की बुलंदियों में पाया जाता है। अगर उर्दू अदब के अंदर हम गालिब की शायरी को और या उनकी जो सिलसिला है खतूत निगारी का, और उसके साथ उर्दू अदब के अंदर अगर हम अकबर इलाहाबादी की शायरी को एक तरफ रख दें, अगर इनको हम हटा दें, तो सफ़े अव्वल के ऊपर जो शख्सियत हमें तंज़ो मिज़ाह में नज़र आएगी उनका नाम है पतरस बुखारी। पतरस बुखारी को सिंपल इतना बस इनके मामलात के हिसाब से मैं यहाँ बयान करूँगा कि पतरस बुखारी का जो मयार है, इन्होंने कोई बहुत तवील काम नहीं किया उर्दू अदब के अंदर, एक मुख्तसर सा किताबचा लिखा है। सही है ना? मतलब आप ये अंदाजा लगाएं कि जब सफ़े अव्वल के ऊपर ये बड़े मशहूर हैं और टॉप के ऊपर ये लिस्ट में नाम इनका आता है, तो इसका मतलब क्या होगा मेरा बेटा? इसका मतलब ये है कि सफ़े अव्वल के ऊपर काम करने के लिए या उस लेवल पर जाने के लिए बेइंतहा किताबें लिखी हों या उसकी कैफियत को बयान किया हो, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। बल्कि आप इसको ऐसे समझ लो या इस बात को इस तरीके से ले लो कि सफ़े अव्वल पे होने के बावजूद इनकी जो कैफियत है कि इन्होंने सिर्फ एक किताबचा लिखा है जो तकरीबन 50 से और 56 यानी 56 पेजेस का एक किताबचा है छोटा सा, और उसका नाम है पतरस के मजामीन। ठीक है, मजामीन है पतरस, और उसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं तो सिर्फ और सिर्फ जो है 14 या 15 जो है वो आर्टिकल्स मौजूद हैं, जिनमें से एक ही आपके सामने भी मौजूद है। और इस तरीके से इन्होंने उसको बयान किया है कि पढ़ने वाले को बिल्कुल ऐसे लगता है कि मेरे सामने हो रहा है, और उस कैफियत को इसके अंदर बयान किया जा रहा होता है, यानी तंजो मिजा ना महसूस हो रहा है, सामने ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म हमारे आंखों के सामने चल रही है, कोई मंजरकशी की जा रही है। लफ्जों का चुनाव बिल्कुल इस तरीके से ये करते हुए नजर आते हैं। अब इस चैप्टर को हम बेटर डिस्कस करने जा रहे हैं। दरहकीकत ये जो चैप्टर है जिसका नाम है मैबल और मैं। ठीक है, अब मैबल और मैं की जब हम बात करते हैं तो तरतीब कुछ इस तरीके से आती है। कहते हैं स्क्रीन पे आपके सामने इसका पेज नंबर 65 मौजूद है बुक का, और अगर बुक आपके हाथ में तो वो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, कहते हैं मैबल लड़कियों के कॉलेज में थी, लेकिन हम दोनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक ही मजमून पढ़ते थे, इसलिए अक्सर लेक्चरों में मुलाकात हो जाती थी। इसके अलावा हम दोस्त भी थे, कई दिलचस्पियों में एक दूसरे के शरीक होते थे। अब यहाँ पर मतलब क्या है? मतलब ये है, यहाँ पर मतलब ये है अच्छा जी, तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं क्या कि जनाब अक्सर लेक्चरों में मुलाकात हो जाती थी। ठीक है, और इसके अलावा हम दोस्त भी थे, यानी उनकी दोस्ती का जो मामला है वो भी जो है वो बाकायदा तौर पर यहाँ पर बयान होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद वो यहाँ पर कहते हैं जनाब क्या कि तस्वीरों और मौसीकी का शौक उसे भी था, मैं भी हम अदानी का दावेदार था, अक्सर गैलरियों या कॉन्सर्टों में इकट्ठे जाया करते थे। अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि भाई एक दूसरे की दोस्ती के मामला और दिलचस्पियों का मतलब ये कि जो हमारी कोशिश थी वही कोशिश, कोशिश से मुराद ये कि जो चीज़ हमें पसंद थी
वही चीज उसे भी पसंद थी। ये जो प्रोसेस था वो यहाँ पर बाकायदा तौर पर नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर कह रहे हैं क्या के जनाब, अक्सर गैलरियों में, गैलरियों का मतलब है आर्ट्स गैलरी, जहाँ पर तस्वीर वगैरह की नुमाइश होती है, तो अक्सर गैलरियों या कॉन्सर्टों में, यानी गाने बजाने की जो महफिलें होती हैं, ठीक है, ठीके? जहाँ पर मौसीकी का जो है रंग जो है जमाया जाता है, उसे कॉन्सर्ट कहते हैं। तो कॉन्सर्टों में इकट्ठे जाया करते थे। दोनों अंग्रेजी अदब के तालिबे इल्म थे, ठीक है ना। किताबों के मुतालिक बहम बहस व मुबाहसे रहते। हम में से अगर एक कोई नई किताब या नया मुसन्निफ दरियाफ्त करता, यानी किसी ने अगर वो उसको देखा और ये देखा कि भाई किसी नए राइटर ने जो है किताब को बाकायदा तौर पर बयान किया है, तो वो सिलसिला यहाँ बयान करते हैं। तो कहते हैं कि अगर वो इसको देखते, तो देखने के बाद वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई हम में से नए मुसन्निफ को दरियाफ्त करता, तो दूसरे को जरूर उससे आगाह कर देता, और फिर दोनों मिलकर उस पर अच्छे बुरे का हुक्म सादिर करते, यानी ये बताते कि आया ये कि वो अच्छा है या वो बुरा है, इस बात के बारे में जो है वो बाकायदा तौर पर बयान किया जाता, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद यहाँ पर आगे कहते हैं कि मतलब अच्छे बुरे से मुराद ये कि उन्होंने जो सिलसिला लिखा है या जो तहरीर लिखी है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई मसाइल तो नहीं है, इस बात के बारे में। लेकिन इस तमाम यकजहती और हम आहंगी में एक खलिश जरूर थी, ठीक है ना, यानी दरमियान में एक लाइन थी जो दीवार बनी हुई थी। हम दोनों ने 20वीं सदी में परवरिश पाई थी, औरत और मर्द की मसावात के कायल जरूर थे, ताहम अपने ख्यालात और बाज़ औक़ात अपने रवैये में कभी ना कभी इसकी तकजीब जरूर कर देते थे, यानी उसको पीछे छोड़ देते या उसके ऊपर तर्दीद वाला जो है वो मामला अख्तियार किया जाता था। और औरत और मर्द के मसावात का मतलब है यकसाना, यानी एक यकसा का मतलब है बराबरी के एहसास वाले मामला यहाँ पर बयान करते हैं। बाज हालात में के मातहत मैबल ऐसी रियायत को अपना हक समझती जो सिर्फ सनफे ज़ईफ ही के एक फर्द को मिलनी चाहिए, यानी वो समझती कि भाई औरत का जो है वो मामला जो है वो एक कमजोरी का मामला है, ठीक है, लिहाजा जो है उसे जो है ये मिलनी चाहिए। जैसे वो एक ज़द आम जुमला है ना, लेडीज फर्स्ट, तो वो वाला फिलफिला यहाँ पर जो है वो बयान किया जा रहा है। और बाज औकात में तहक्कुम और रहनुमाई का रवैया इख्तियार कर लेता, जिसका मतलब ये था कि गोया एक मर्द होने की हैसियत से मेरा फर्ज यही है, खुसूसन मुझे ये एहसास बहुत ज्यादा तकलीफ देता था कि मैबल का मुताल्ला मुझसे बहुत वसी है, इससे मेरे मर्दाना वकार को सदमा पहुंचता था। कभी कभी मेरे जिस्म के अंदर मेरे एशियाई आबाओ अजदाद का खून जोश मारता और दिल जदीद तहजीब से बागी होकर मुझसे कहता कि मर्द अशरफुल मखलूकात है। इस तरह महबल को औरत और मर्द की मसावात का इजहार मुबालगे के साथ करती, यहाँ तक कि बाज औकात ऐसा मालूम होता कि वो औरतों को कायनात की रहबर और मर्दों को हशरात अर्ज समझती है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो पहले तो ये समझती कि भाई मुझे ये हक मिलना चाहिए, फिर उसके बाद कभी कभी मैं क्या करता कि तहक्कुम और रहनुमाई का रवैया अख्तियार कर लेता, यानी बड़ाई वाला, और उसका मतलब यही था कि भाई एक मर्द होने के नाते मुझे जो है वो इसके साथ जो है वो ऐसे ही सलूक करना चाहिए और इसको जो है वो अहमियत देनी चाहिए। लेकिन एक बात थी जो इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस पैदा करती थी, और वो बात क्या थी बेटा, वो बात थी कि मैबल पढ़ाई के अंदर आगे थी, उसका मुताल्ला, मुताल्ले से मुराद ये कि वो बहुत सारी किताबें ऐसी लेकर आती जिसको वो बहुत जल्दी पढ़ लेती, और ये जो है उसको जो है ना वो देर से पढ़ते। अब हर एक की अपनी रीडिंग स्किल होती है और समझने के मामले होते हैं, सिर्फ रीडिंग करना मकसद नहीं है बल्कि ये समझ लो कि वो उसे समझना भी है। तो यहाँ वो कहते हैं कि जब इस तरह की बात हो जाती और मेरे जो माँ बाप हैं, यानी एशियाई आबाओजदाद का मतलब है कि वो ये बयान करते कि तू अशरफ उल मखलूकात है, तू बड़ा है और तुझे इसके अंदर जो है ना वो बहुत बेहतरी वाला मामला अख्तियार करना चाहिए, लिहाजा फिर वो यहाँ पर वो कहते हैं कि इस बात के ऊपर वो थोड़ा सा जरा जिसे कहते हैं ना तौकुफ करती, रुक जाती। तो फिर वो कहते हैं मुबालगा, मुबालगा का मतलब है कि अच्छा चलो ऐसा है, तो इसे कहते हैं मुबालगा, मतलब इसे कहते हैं ना गैर यकीनी कैफियत, उस कैफियत के साथ वो औरत और मर्द की मसावात का इजहार करती, यहाँ तक कि बाज औकात ऐसा मालूम होता, यानी इस तरह की कैफियत मालूम होती कि वो औरतों को कायनात की रहबर
और मर्दों को हशरातुल अर्ज समझती है, यानी जो औरतें हैं वो कायनात में रहबर हैं, रहनुमा हैं, और मर्द क्या है, हशरातुल अर्ज। हशरातुल अर्ज का मतलब होता है जमीन पर रेंगने वाले कीड़े, ठीक ना, कीड़े मकोड़े जो जमीन पर, जैसे चींटी है, सांप है और दूसरी जो चीजें हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर ये वही सिलसिला है कि वो उसको इस तरीके से जो है वो बयान करती हुई नजर आती। अच्छा, अब यहाँ पर मजीद आगे चलते हैं। यहाँ कहते हैं, लेकिन इस बात में, इस बात को मैं क्यों कर नजरअंदाज कर सकता था, इस बात को मैं क्यों कर नजरअंदाज करता कि मैं बल एक दिन में 10-12 किताबें खरीदती और हफ्ते भर के बाद उन्हें मेरे कमरे में फेंक कर चली जाती और साथ ही कह जाती, मैं इन्हें पढ़ चुकी हूं, तुम भी पढ़ चुकोगे तो इनके मुतालिक बातें करेंगे। अब इसका मतलब देखें, ये वही डिफरेंस है जो लास्ट पेज में नजर आया कि भाई वो मुताले में मुझसे ज्यादा थी। अब 10-12 किताबें लेकर आना और हफ्ते भर में, मतलब ये तो एक कॉमन सेंस है कि भाई शख्स कह के भाई मैं हफ्ते भर में इसको कैसे पढ़ सकता हूँ। तो यहाँ कहते हैं, हफ्ते भर में उन्हें मेरे कमरे में फेंक कर चली जाती और साथ ही कह जाती, मैं इन्हें पढ़ चुकी हूँ, तुम भी पढ़ चुकोगे तो इनके मुतालिक बातें करेंगे, यानी अच्छे और बुरे का हुक्म सादिर करेंगे। अव्वल तो मेरे लिए एक हफ्ते में 10-12 किताबें खत्म करना मुहाल था, लेकिन फर्ज कीजिए मर्दों की लाज रखने के लिए रातों की नींद हराम करके इन सब का पढ़ डालना मुमकिन भी होता, सही ना, मतलब लाज का मतलब है इज्जत रखने के लिए, मुमकिन भी होता तो भी इनमें 2 या 3 किताबें फलसफे या तनकीद की जरूर ऐसी होती कि इनके समझने के लिए मुझे काफी अरसा दरकार होता। चुनाचे हफ्ते भर की जाफिशानी के बाद मुझे एक औरत के सामने इस बात का एतराफ करना पड़ता कि मैं इस दौड़ में पीछे रह गया हूं, मैं इस दौड़ में पीछे रह गया हूं। जब तक वो मेरे कमरे में बैठी रहती, जब तक वो मेरे कमरे में बैठी रहती, अच्छा, तो मैं कुछ मतलब जब तक वो मेरे कमरे में बैठी रहती तो मैं कुछ खिसियाना सा होकर उसकी बातें सुनता रहता और वो नहायत आलिमाना अंदाज में भवे ऊपर को चढ़ा चढ़ा कर बातें करती। अब यही वही वाली बात है कि भाई अगर वो कहते हैं कि भाई 10-12 किताबें तो पढ़ना, और वो भी 400-500 सफात वाली, उनको पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर फर्ज कर लें रातों की नींदें हराम कर लें, हराम करने का मतलब क्या है कि बिल्कुल भी ना सोएं, दिन और रात जाग भी लें, तो भी वो कह रहे हैं कि उनमें 2 से 3 किताबें ऐसी होती थी जो फलसफे या तनकीद की होती थी, ठीक है ना, और उस चीज को कवर करना बे इंतहा मुश्किल काम है, ठीक है ना, मतलब पहले बात उसको पढ़ना और पढ़ने के बाद उसे समझना, तो ये एक बड़ा जरा जो है ना मुनफरिद मामला है। फिर वो कहते हैं कि जब ये बात हो जाती है, वो एक हफ्ते के बाद दोबारा वापस आती, तो चुनाचे हफ्ते भर की जाफिशानी के बाद एक औरत के सामने इस बात का एतराफ करना पड़ता कि मैं इस दौड़ में पीछे रह गया हूं, और जब तक वो मेरे कमरे में बैठी रहती तो मैं कुछ खिसियाना सा होकर उसकी बातें सुनता रहता। खिसियाना का मतलब ये होता है कि जब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और हम अजीब व गरीब कैफियत इख्तियार करते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ लोगों का अपना अपना एक मिजाज है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, मतलब ये खिसियानेपन की कैफियत मैं आपको बयान कर रहा हूँ, जैसे छोटे बच्चों को आपने खेलते हुए देखा हो, फर्ज कर ले कैरम बोर्ड खेलना है या इस टाइप का कोई और गेम खेलना है, और बच्चे कहते हैं हमें खिलाओ, दूसरा कह रहे हम नहीं खिला रहे, तो वो उसको लेके बस हाथों से ना एकदम बिगाड़ देता है और कहते जाओ जब हम नहीं खेले तो तुम्हें भी नहीं खेलने देंगे। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं खिसियानापन, ठीक है ना। तो इसके लिए उर्दू में बाकायदा एक जरूर मिसाल भी है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। तो अब यहाँ पर वही वाली बात है कि अब खम्बा कितना बड़ा होता है और कितना ताकतवर और कैसे बना हुआ होता है जमीन के अंदर, तो अब वो बिल्ली जो है वो गुस्से में आकर जब वो खिसियाने तो वो कहती है मैं इस खम्बे को खींच लूँ, ये इसका खिसियानापन कहलाता है। तो यहाँ वो कहते हैं कि जब वो तब तक वो मेरे कमरे में बैठी रहती मैं कुछ खिसियाना सा होकर उसकी बातें सुनता रहता और वो नहायत आलिमाना अंदाज में भवे ऊपर को चढ़ा चढ़ा कर बातें करती। अब ये तो नाज और अंदाज जो है वो खवातीन में तो आम तौर पर पाया जाता है, आम तौर पर देखा गया है कि नेचर में पाया जाता है खवातीन की, सही है ना, फखरी अंदाज है बेसिकली ये ना।
अब इसे लोग जो है वो बड़े बूढ़े जो है इतराना कहते हैं ना, इतरा इतरा के बातें करना, ठीक है, उसे कहते हैं भवी ऊपर चढ़ा चढ़ाकर बातें करती। जब मैं उसके लिए दरवाजा खोलता और उसके लिए सिगरेट के लिए दिया सिलाई जलाता, या अपनी सबसे ज्यादा आरामदेह कुर्सी उसके लिए खाली कर देता, तो वो मेरी खिदमात को हक के नस्वानियत नहीं बल्कि हक के उस्तादी समझकर कबूल करती। अब यहाँ पर ये जो है ना, उसे कहते हैं कि अपनी सीट देना और उसे अपनी आरामदेह कुर्सी जो है ना वो प्रोवाइड करना। ये जो सिगरेट का लफ्ज है, ये वो सिगरेट नहीं जो आम जलाई जाती है, दरहकीकत है इज्जत देने की मीनिंग के अंदर यहाँ शुमार की जा रही है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जब वो ये काम करती और मैं ऐसा करता, तो वो मेरी खिदमात को जो मैंने उसके लिए की है, तो वो उसे हक नस्वानियत नहीं यानी खवातीन का या लेडीज का हक नहीं समझ रही बल्कि हक के उस्तादी के, भाई मैं इस जंग में जीत गई तो हक के उस्तादी समझकर जो है वो उसे कबूल करती। महफिल के चले जाने के बाद निदामत बतदरीज गुस्से में तब्दील हो जाती, यानी शर्मिंदगी जो है वो गुस्से के अंदर आ जाती। जान या माल का ईसार सहल है, लेकिन आन की खातिर नेक से नेक इंसान भी एक न एक दफा तो जरूर नाजायज जराए के इस्तेमाल पर उतर आता है। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि भाई निदामत, ये जो शर्मिंदगी है वो बतदरीज बढ़ते बढ़ते जो है वो गुस्से में तब्दील हो जाती। जान या माल का ईसार सहल है, मतलब जान माल जा रही है तो जाने दो, लेकिन आन की खातिर यानी इज्जत की खातिर नेक से नेक इंसान भी एक ना एक दफा तो जरूर नाजायज जराए के इस्तेमाल पर उतर आता है कि भाई किसी तरीके से ये काम हो जाए। जिसे आम जबान में अगर हम देखें तो बहुत से लोग आपने देखा होगा रिश्वत दे रहे होते हैं, तो वो मकसद ये हुई कि नाजायज जरा है ना कि भाई मेरी इज्जत रह जाए। तो कहते हैं इसे मेरी अखलाकी पस्ती समझिए, लेकिन यही हालत मेरी भी हो गई। अगली दफा जब महबल से मुलाकात हुई तो जो किताबें मैंने नहीं पढ़ी थी उन पर भी मैंने राय जनी शुरू कर दी। अब राय जनी का मतलब है उसके ऊपर कमेंट्स देना शुरू कर दिए जिनको मैंने नहीं भी पढ़ा था, लेकिन जो कुछ कहता था संभल संभल कर कहता, और बड़ी होशियारी और दानाई के साथ अपनी राय को जिद्दत का रंग देता। किसी नॉवेल के मुताल्लिक महबल ने मुझसे पूछा तो जवाब में नहायत लाउबालियाना कहा, कुछ निब ना सका, लेकिन फिर भी बाज नुक्ते निराले हैं, बुरी नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ वो कह रहे हैं कि भाई उसने ये नाजायज जरिए ये इस्तेमाल किया कि जो किताबें उसने नहीं भी पढ़ी थी उस पर भी अपनी इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने कमेंट्स देना शुरू कर दिए, ठीक है ना। अब जब कमेंट्स दे रहे हैं तो कमेंट्स के अंदर उनका सिलसिला बिल्कुल ऐसे ही था कि ये सिलसिला जारी और सारी जो है वो वहां पर नजर आया, ठीक है। और फिर यहाँ पर वो कहते हैं कि और सरसरी तनकीद करना, सरसरी का मतलब है वो थोड़ा थोड़ा बोलना, बहुत ज्यादा ना बोलना, और अपनी बड़ी होशियारी और दानाई के साथ अपनी राय को जिद्दत का रंग दे देता, यानी उसको बताता कि ये जदीद अंदाज है, इस अंदाज के अंदर ये सिलसिला होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर वो कहते हैं कि क्या कह रहे हैं, नॉवेल के बारे में कहता, हाँ अच्छी है, मतलब ये हल्का सा ना लाउबालियाना कहा, मतलब जो जैसे बच्चे कहते हैं ना उसे लाउबालियाना कहते हैं, अच्छी है लेकिन कुछ ऐसी अच्छी भी नहीं, यानी बहुत तारीफ भी नहीं की कि वो कहीं फंस जाए। तो मुसन्निफ से दौरे जदीद का नुक्ता नजर कुछ निब ना सका, यानी अब मुसन्निफ के ऊपर बुराई डाल दी, कहते हैं ना बुराई का टोकरा दूसरे पर डाल देते हैं, जैसे हमारे यहाँ के बच्चे आम तौर पर करते हैं ना कि बोर्ड के अंदर जो है वो पेपर अगर अच्छा नहीं होता तो जब तक रिजल्ट नहीं आता यही कहते रहते हैं कि भाई हमने तो पूरा लिखा था पूरा लिखा था, और बाद में क्या बोलते हैं, बोर्ड वालों ने हमारे साथ जो है ना वो बहुत बड़ा जुल्म सितम किया है, सही है ना। अब जैसे आजकल के दौर में भी लोगों ने, जैसे बोर्ड वालों ने परसेंटेज बढ़ा दी, उसके बावजूद भी लोग ये बोल रहे होंगे बोर्ड वालों ने गलत किया हुआ है ना, वैसे किया तो थोड़ा बहुत गलत ही है, ऐसा नहीं है कि जो बहुत पढ़ने वाले बच्चे थे वो और जो बिल्कुल पढ़ने वाले नहीं थे उनको बराबर कर दिया। लेकिन फिर यहाँ वो क्या करें, लेकिन फिर भी बाज नुक्ते निराले हैं, बुरी नहीं, मतलब कुछ पॉइंट्स के बारे में बता दी कि भाई ये अच्छे हैं और इतनी बुरी भी नहीं है कि जितनी बुरी जो है वो हम इसे समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर कहते हैं कंघियों से मैबल की तरफ देखता देखता गया, लेकिन उससे मेरी रयाकारी बिल्कुल मालूम नहीं हुई ना होने पाई। अब यहाँ देखें जरा, थोड़ा सा जरा यहाँ पर देखें, मैं जरा एक मिनट के लिए वीडियो ऑन कर रहा हूँ,
आपको अंदाजा हो जाएगा इसका मतलब क्या है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरी तस्वीर आपको नजर आ रही है, तो कंघियों का मतलब होता है इस तरह से देखना ना, यूं यूं, जैसे आपने देखा ना बहुत से लोग इस तरीके से ना यूं छुपा के बैठे हुए हैं और इस तरीके से ना हल्के हल्के इसे कहते हैं, क्योंकि कंघियों का मतलब क्या है, बहुत से लोग इससे यूं, खवातीन तो नहीं करती, मर्दों को आपने देखा होगा आमतौर पर इस तरीके से बाल जो है ना वो हाथों से, तो ये जो पांच उंगलियों से कंघी कहते हैं कि भाई ये कंघी के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो इस तरीके से ना हाथों को यूं छुपा कर देखना, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है कंघी। बात समझ में आ रही ना, ये लफ्ज जो है वो यहाँ पर कंघी के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर वो कहते हैं कि कंघियों से मैबल की तरफ देखता देखता गया, लेकिन उसे मेरी रयाकारी बिल्कुल मालूम ना होने पाई। रयाकारी का मतलब है मेरा जो झूठ है वो उसे कतन ना पकड़ सकी, कतन ना उसके बारे में देख सकी, ये वाली बात। और फिर कहते हैं ड्रामे के मुतालिक कहा, सही है ना, अब ड्रामे के मुतालिक क्या कहा, तो यहाँ वो कहते हैं ड्रामे के मुतालिक कहा, हाँ पढ़ा तो है लेकिन अभी तक मैं ये फैसला नहीं कर सका, अभी तक मैं ये फैसला नहीं कर सका कि जो कुछ पढ़ने वाले को महसूस होता है वो स्टेज पर जाकर बाकी भी रहेगा या नहीं, तुम्हारा क्या ख्याल है। मतलब अभी भी देखे उन्होंने बुराई का टोकरा जो है वो दूसरों पर डाल दिया। अच्छा अब यहाँ क्या कहते हैं कि भाई स्टेज पर जाकर जब हम इसको फिल्माएंगे, जब हम इसको अप्लाई करेंगे, तब ये ऐसा नजर आएगा या नहीं आएगा, मतलब जिस तरीके से इसकी कंडीशन दिखाई दे रही है वो नजर आएगी कि नहीं आएगी, इस बात को यहाँ पर बयान किया गया। और इस तरह से अपनी आन भी कायम रही रहती और गुफ्तगू का बार यानी जो बोझ है वो भी मैबल के कंधों पर डाल देता। तनकीद की किताबों के बारे में कहता, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप बयान कर रहे हैं, तनकीद की किताबों के बारे में फरमाता, इस नकाद पर 18वीं सदी के नकादों का कुछ कुछ असर मालूम होता है, यानी जो पुराने दकियानूस लोग हैं उनकी कैफियत, दकियानूस से मुराद क्या है, जो पुराने लिखने वाले हैं जिनका मिजाज पुराना, जैसे हमारे यहाँ कोई चीज आती है तो चाहे वो कपड़े हों या कोई भी इस्तेमाल की चीज, हम कहते हैं ना ये तो पुराने स्टाइल का है भाई, ये तो इस दौर में चलता ही नहीं, ये पता नहीं किस जमाने का पहन लिया है ना, सही है ना। तो आमतौर पर बहुत से लोग ये उस पुराने स्टाइल को बोलते हैं क्या, दकियानूस। एंटीक पीस तो एक अलग चीज है, दकियानूस। अब दकियानूस जो है ये एक बादशाह का नाम है जो बहुत पुराने दौर का है, सही है ना, मतलब ये समझ लें कि असहाबे कहफ के जमाने का दौर का जो बादशाह था उसका नाम दकियानूस था, इसलिए पुरानी बातों के लिए दकियानूस का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया जाता है कि यार ये तो बहुत दकियानूसी जो है ना वो मामला है और सोच है, ठीक है ना, पुरानी सोच, ठीक है। इस नकाद पर, यानी खुदा ना खासा ये कोई गाली नहीं है, हमारे यहाँ लोग इसको शायद गाली भी समझते हैं कि दकियानूस कोई गाली है, ये दकियानूस एक बादशाह का नाम था और कुरान पाक की जो है वो सूरत है सूरह असहाबे के सूरह कहफ, जिसमें असहाबे कहफ का जो है ना पूरा वाकया लिखा हुआ है, तो उस दौर का असहाबे कहफ जिस दौर के लोग हैं उस दौर का जो बादशाह था उसका नाम दकियानूस था। अब क्योंकि बात बहुत पुरानी है इसलिए दकियानूस का लफ्ज जो है वो मुहावरतन इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ वो कहते हैं तनकीद की किताबों के बारे में कहता है इस नकाद पर 18वीं सदी के नकादों का कुछ कुछ असर मालूम होता है, लेकिन यूं ही ना मालूम सा, कहीं कहीं बिल्कुल हल्का सा। और शायरी के मुतालिक इसका रवैया दिलचस्प है, ठीक है ना, बहुत अच्छा है, बहुत दिलचस्प। रफ्ता रफ्ता मुझे, यानी उसने क्या किया, थोड़ी बात कही, थोड़ी बुराइयां और थोड़ी अच्छाइयां दोनों बयान कर दी, रफ्ता रफ्ता मुझे इस फन में कमाल हासिल हो गया, जिस रवानी और नफासत से के साथ मैं ना ख्वानदा किताबों पर गुफ्तगू कर सकता था उस पर मैं खुद हैरान रह जाता था, इससे जज्बात में एक आसूदगी नसीब होती। अब यहाँ क्या करें कि रफ्ता रफ्ता यानी आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपने इस फन में यानी इस आर्ट के अंदर जो है ना वो ग्रिप आना शुरू हो गई, और जिस रवानी और नफासत के साथ, मतलब बहुत रवानी के साथ, फ्लुएंसी के साथ जो है, और बड़े जिसे कहते हैं ना नफासत का मतलब है बहुत आर्टिस्टिक वे के अंदर, बहुत जिसे कहते हैं नफीस, बहुत अच्छा मामला इख्तियार करते हुए, ना ख्वानदा किताबों का मतलब होता है ऐसी किताब जिनके लिए हम जाहिल हैं, ना ख्वानदा मतलब पढ़ी नहीं है, ला इल्म है, उसे कहते हैं ना ख्वानदा। तो ना ख्वानदा किताबों यानी जिसको आप इंग्लिश में इलिटरेट कहते हैं ना, तो उसे कहते हैं ना ख्वानदा। तो ना ख्वानदा किताबों पर गुफ्तगू कर सकता था और इसमें खुद हैरान रह जाता था, इससे जज्बात को एक आसूदगी नसीब होती थी, मतलब कह रहे हैं मैं खुद हैरान भी रह जाता था और आसूदगी का मतलब ये खुशी नसीब होती थी। अब मैबल से ना दबता था, मतलब अब वो जो दबने वाला जो दौर था ना वो गुजर गया, अब मैबल से ना दबता था,
उसे भी मेरे इल्म और फजल का मोतरिफ होना पड़ा, यानी उसको मेरे इल्म का जो है वो एतराफ करना पड़ा। अच्छा, और अगर वो अगर हफ्ते में 10 किताबें पढ़ती थी तो मैं 2 दिन के बाद उन सब किताबों पर रायजनी कर सकता था, यानी अगर वो 10 दिन पढ़ने के बाद करेगी तो मैं 2 दिन के अंदर जो है वो कार्रवाई जो है वो उस पर कर जाता, यानी इसके ऊपर मामला इख्तियार कर लेता। अच्छा जी, अब इसके सामने निदामत का कोई मौका ना था, यानी शर्मिंदगी का कोई मौका अब मुझे महसूस नहीं होता था। मेरी मर्दाना रूह में इस एहसास फतह मंदी से बालिदगी सी आ गई थी, यानी ये जो एहसास था जीतने का उससे एक बालिदगी का मतलब है बर्तरी का लेवल जो है वो पैदा हो जाता था। अब मैं उसके लिए कुर्सी रखता या दिया सिलाई जलाता तो अजमत और बर्तरी के एहसास के साथ, जैसा कि एक तजुर्बेकार तंदुमन नौजवान एक नादान कमजोर बच्चे की हिफाजत कर रहा है। जैसे वो था ना, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को लोग लेके जाते हैं घर के बड़े, सही है ना, और कहीं अगर किसी काम से आगे बढ़ रहे हैं, या जैसे आपने देखा होगा वो अम्मी वगैरह शॉपिंग करती हैं तो एक सीट के ऊपर बच्चों को बिठा के बोलते हैं ना तुम यहीं बैठो मैं भी आ रही हूँ, सही है ना। तो ये वाली कैफियत, या साथ में खड़े हो जाने के बाद बच्ची की हिफाजत कर रहे हो, ये वो वाला मामला कि अब अगर वो महबल के वो इस तरह की चीजें देता तो उसका मकसद ये था कि एक नादान और कमजोर बच्चे की हिफाजत कर रहा है। सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले इंसान मेरे इस फरेब को सराहें ना सराहें, जो सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले लोग हैं वो इसे सराहें या ना सराहें, लेकिन मैं कम अज कम मर्दों के तबके से इसकी दाद जरूर चाहता हूँ। खवातीन मेरी इस हरकत के लिए मुझ पर दोहरी दोहरी लानतें भेजेंगी, यानी एक हाथ से मुकम्मल नहीं होगी तो दूसरे हाथ से भी भेजेंगी। अब ये लानत क्या होती है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, सही है ना, आईना देख लेते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा। फिलहाल तो यहाँ वो कह रहे हैं कि भाई खवातीन मेरी इस हरकत के लिए मुझ पर दोहरी दोहरी लानतें भेजेंगी, एक तो मैंने मकारी और झूठ से काम लिया और दूसरा एक औरत को धोखा दिया। इनकी तसल्ली के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या आप यकीन मानिए कि कई दफा तन्हाई में मैंने अपने आप को बुरा भला कहा, बाज़ औकात अपने आप से नफरत होने लगी, साथ ही इस बात का भुलाना भी मुश्किल हो गया कि बगैर पढ़े ही इल्मियत जताता हूँ, बगैर पढ़े ही इल्मियत जताता हूँ। अच्छा, जताता हूँ, मैबल तो ये सब किताबें पढ़ चुकने के बाद गुफ्तगू करती है, तो बहरहाल इसको मुझ पर तफूक तो जरूर हासिल है, मैं अपनी कम इल्मी जाहिर नहीं होने देता, लेकिन हकीकत तो यही है कि वो किताबें नहीं पढ़ती, वो किताबें नहीं पढ़ता। मेरी जहालत उसके नज़दीक ना सही, मेरे अपने नज़दीक तो मुसल्लिम है, इस ख्याल से इत्मीनान। अच्छा, यहाँ तक कलम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ वो कहते हैं कि सिरात मुस्तकीम पर, यानी जो सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले सीधे रास्ते पर चलने वाले जो लोग हैं वो मेरे इस फरेब को यानी मेरे इस झूठ को सराहें या ना सराहें, यानी मुझे अच्छा कहें या बुरा कहें, सराहें या ना सराहें, लेकिन मैं कम अज़ कम मर्दों के तबके से इसकी दाद ज़रूर चाहूँगा। यानी वो कहते हैं कि मैं मर्दों का जो तबका है मैं उससे जो है वो उसकी दाद चाहूँगा, यानी अच्छाई वाले मामला। और ख़वातीन मेरी इस हरकत के लिए मुझ पर दोहरी दोहरी लानतें भेजेंगी, यानी मुझे बुरा भला कहेंगी, एक तो मैंने मकारी और झूठ से काम लिया और दूसरा जो है वो एक औरत को धोखा दे रहा हूँ। उनकी तसल्ली के लिए वो कह रहे हैं, मैं मतलब औरतों को तसल्ली देना चाहता हूँ कि भाई आप यकीन माने कि मैंने कभी कभी तन्हाई में होता ना कि इंसान अपने गुनाहों को देख रहा होता है और अपने निगाहों पर जो है वो नज़र मतलब जो अपनी कैफियत के ऊपर नज़र डाल रहा होता है, सही है ना। तो इसके बारे में मतलब मैं यहाँ पर एक बात बयान करता चलूँ, बड़ा मशहूर शेर है बहादुर शाह जफर का, अच्छा तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहादुर शाह जफर का एक बड़ा मशहूर शेर है, नथी हाल की जब हमें अपने खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नजर तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। अब यानी क्या, जब तक हमें अपने हाल की खबर ही नहीं थी तो हम औरों की बुराइयां देख रहे थे, कहते नथी हाल की जब हमें अपने खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नजर तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। जब इंसान तन्हाई में बैठता है तब उसको साथ उसके अंदर जो है वो इस तरह की कैफियत जो है वो पैदा हो जाती। अब यहाँ पर वो कहते हैं
कि बाज़ औक़ात अपने आप से नफरत होने लगती है, साथ ही इस बात का भुलाना भी मुश्किल जो है वो हो गया कि बगैर पढ़े ही इल्मिया जताता रहता हूँ मैं, बल तो ये सब किताबें पढ़ चुकने के बाद गुफ्तगू करती है। तो बहरहाल इसको मुझ पर तफूक यानी मुझे मुझ पर बर्तरी तो हासिल है कि उसने पढ़ने के बाद ये काम किया और मैं बगैर पढ़े कर रहा हूँ। मैं अपनी कम इल्मी जाहिर नहीं होने देता लेकिन हकीकत तो यही है, ताकि वो किताबें नहीं पढ़ता, मेरी जहालत उसके नज़दीक ना सही, मतलब मैं उन किताबों के लिए इल्म इलिटरेट हूँ तो उसके नज़दीक तो ना सही लेकिन मेरे अपने नज़दीक तो मुसल्लम है, मतलब लाजमी है कि मैं उस बात को देख रहा हूँ। इसके ख्याल से इत्मीनान जो है इत्मीनान कल्ब पर मफकूद हो जाता और अपने आप को एक औरत के मुकाबले में फिर हकीर नजर आने लगता। पहले तो मैबल को सिर्फ वही इल्म समझता जी इल्म समझता था, जी इल्म का मतलब है कि वे एक आम इल्म वाली खातून, कि वो अपने मुकाबले में पाकिजगी और रास्तबाजी की देवी मालूम होने लगी। मतलब पहले तो मैं खाली उसको सिर्फ ये समझता था कि वो एक पढ़ने वाली लड़की है, लेकिन अब क्या कहने, अब तो ऐसे लगने लगा कि पाकिजगी और रासबाजी की देवी का मतलब क्या है कि वह देवी की तरह जो है वो मुझे जो है वो मालूम होती हुई नजर आती है। फिर यहाँ कहते हैं कि अलालत के दौरान मेरा दिल ज्यादा नर्म हो जाता है। अच्छा, अलालत के दौरान मेरा दिल ज्यादा नर्म हो जाता है। बुखार की हालत में कोई बाजारी सा नॉवल पढ़ते वक्त भी बाज़ औक़ात मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। सेहत याब होकर मुझे अपनी इस कमजोरी पर हंसी आती है लेकिन इस वक्त अपनी कमजोरी का एहसास नहीं होता। मेरी बदकिस्मती के उन्हीं दिनों मुझे खफीफ सा इन्फ्लुएंजा हुआ, मोहलिक ना था, बहुत तकलीफ दे भी ना था, तमाम गुज़श्ता जिंदगी के तमाम छोटे छोटे गुनाह गुनाहे कबीरा बन के नजर आने लगते थे। अब वो कह रहे हैं कि भाई अक्सर वैसे तो मैं बीमारी के अंदर बहुत कमजोर फील करता हूँ, तो उस वक्त मुझे जो है ना मेरी बदकिस्मती के उन्हीं दिनों में जो है ना मुझे एक हल्का सा वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। अच्छा, कहने ज्यादा तकलीफ देना था लेकिन मुझे उस वक्त क्या हो रहा है कि बीमारी की हालत में अपने छोटे छोटे गुना गुनाहे कबीरा बन के नजर आना शुरू हो गए। मैबल का ख्याल आता आया, जमीन ने सख्त मलामत की और मैं बहुत देर तक बिस्तर पर पेचो ताप खाता रहा। शाम के वक्त मैबल कुछ फूल लेकर आई, खैरियत पूछी, दवा पिलाई, माथे पर हाथ रखा, मेरे आंसू टप टप गिरने लगे और मैंने कहा, आह, आवाज भर्राई हुई थी, मैबल मुझे खुदा के लिए माफ कर दो। इसके बाद मैंने अपने गुनाह का इतराफ किया और अपने आप को सजा देने के लिए मक्कारी की हर एक तफसील बयान कर दी और हर किताब का नाम लिया जिसे मैंने बगैर पढ़े लंबी लंबी फाजिलाना तकरीरें की थी। मैंने कहा, मैबल पिछले हफ्ते जो तीन किताबें तुम मुझे दे गई थी, तुम उनके मुतालिक मुझसे कितनी बहस करता रहा था, मैं तुमसे कितनी बहस करता रहा लेकिन मैंने उनका एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा था। मैंने कोई ना कोई बात ऐसी जरूर कही होगी जिससे मेरा पोल तुम्हारे आगे खुल गया होगा। कहने लगी, नहीं तो सही है ना, मतलब अब क्या हुआ, उसने जब वो आई और इस तरह के मामला हुए तो उसने अपने गुनाहों का इतराफ कर लिया। मैंने कहा, मसलन नॉवल के बारे में मैं पढ़ा ना था, केकड़ों के मुतालिक जो कुछ बक रहा था सब कुछ मन घड़ा था, मतलब अपने दिमाग से जो है वो सारी चीजें लेकर आ रहा था। मैंने कहा, मसलन नॉवल में मैंने पढ़ा ही ना था, केकड़ों के मुतालिक जो कुछ कहा था सब कुछ मनगढ़ंत था। कहने लगा, ऐसा कुछ गलत भी नहीं था। मैंने कहा, प्लॉट के मुतालिक मैंने ये ख्याल जाहिर किया था जरा ढीला है, ये भी ठीक था। अब प्लॉट का मतलब ये वो प्लॉट नहीं जो हम और आप खरीदते, प्लॉट का मतलब होता है किसी भी तहरीर का मकसद, उसे प्लॉट कहते हैं उर्दू में। तो फिर वो कहते हैं कि इसके बाद मेरी गुज़िश्ता फरेबकारी पर वो और मैं जो है वो कहने लगी, हाँ प्लॉट कहीं कहीं जरा ढीला जरूर है, और इसके बाद मैं गुज़िश्ता फरेबकारी पर वो और मैं दोनों हंसते रहे। मैबल रुखसत होने लगी तो बोली वो किताबें मैं लेती जाऊं। मैंने कहा, एक तायब इंसान को अपनी इसलाह का मौका दो, तायब का मतलब जिसको अपनी गलती का एहसास हो गया उसको मौका दो। मैंने उन किताबों को अब तक नहीं पढ़ा लेकिन अब उन्हें पढ़ने का इरादा रखता हूँ। इन्हें यहीं रहने दो, तुम तो उन्हें पढ़ चुकी हो। कहने लगी, हाँ मैं तो पढ़ चुकी हूँ। अच्छा, मैं यहीं छोड़ जाती हूँ। इसके चले जाने के बाद मैंने उन किताबों को पहली दफा खोला, तीनों में से किसी एक के वर्क तक ना कटे थे, मैबल ने भी उन्हें अब तक ना पढ़ा था। मुझे मर्द
और औरत दोनों की बराबरी में कोई शक ना रहा। मतलब आखिर में ये नजर आया कि उन्होंने कहा कि भाई जैसे आप नई किताब खरीद के लाते हैं तो सफ़े जुड़े हुए होते हैं, हम उन्हें स्केल या किसी चीज़ से काट रहे होते हैं, ये इस बात की जमानत होती थी, किताब बिल्कुल नहीं है, अगर किसी ने पढ़ी होती तो वो पेजेस काटते हैं। तो वो कहते हैं जब मैंने उन किताबों को पहली दफ़ा खोला, तीनों में से किसी एक के वर्क तक ना कटे थे, इसका मतलब ये हुआ कि मैबल ने भी उन्हें अभी तक नहीं पढ़ा था। फिर वो कहते हैं मुझे मर्द और औरत दोनों की बराबरी में कोई शक न रहा। बकौल एक शायर के, वो शख्स जो दूर से बहुत दीदा जेब था, वो शख्स जो दूर से बहुत दीदा जेब था, देखा करीब से तो सरासर फरेब था। यानी जब करीब में आया तो पता चला कि वो भाई मुकम्मल तौर पर, मतलब औरत और मर्द, मतलब इसका माखज ये निकला, इसका एंड ये निकला कि भाई औरत और मर्द किसी मामले में मसावी हो ना हो, एक दूसरे के बराबर हो ना हो, लेकिन मकर व फरेब में दोनों बराबर हैं। यानी इसको आम जबान में ये कहा जाता है कि दोनों ही चिटर हैं, ठीक है ना, मतलब कहीं पर कोई ना कोई मौका जो है वो नहीं छोड़ते। ठीक है, ठीक है मेरा बेटा, आज की क्लास को यहीं पर तफसीली एंड करते हैं, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर आप लोगों को जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा जी।